दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर गुरुवार को विश्वविद्यालय छात्र संगठनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोमबत्ती जलाकर द्वारा लिखकर परिनिर्वाण दिवस मनाया। स्वतंत्र चित्रकार अजय कुमार द्वारा बनाई गई बाबा साहब की पेंटिंग पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर छात्रों ने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए बाबा साहब के सपनों का भारत, आधुनिक भारत को निर्माण संकल्प लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय अमन यादव विश्वविद्यालय और छात्र भास्कर चौधरी ने कहा। अमन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय। बाबा साहब के 63वें परिनिर्वाण दिवस पे आज विश्वविद्यालय के सभी छात्रों छात्राओं द्वारा सैकड़ों की संख्या में यहाँ एकत्रित होकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए बाबा साहब के सपनों का भारत, आधुनिक भारत का निर्माण हम युवा आज मिलकर उनके विचारों को आत्मसात करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने का प्रेरणा लेते हुए आज संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनके संघर्षों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा नाम भास्कर चौधरी है और आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे बाबा साहब के 63वें परिनिर्वाण दिवस पे 1000 मोमबत्ती कैंडल्स जला के आज उनको एक श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। और यहाँ पे एक स्वतंत्र चित्रकार अजय कुमार जी हैं, उन्होंने यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पेंटिंग भी बनाई है जिसके माध्यम से हम लोग बाबा साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे, एक श्रद्धांजलि के रूप में आज की शाम और आज उनको देना चाहते थे, तो इसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित रहा।